लौटी सारदा यवतन उजसे फिर महुबा का धुरा दवाए आया बतावे रनी मलहना का कि आई है बेंदुल के सवार है हालू बतैबे अब उदल का अरे श्रोतव सुनिए कान लगाए हो तब हो रहा रे अपौ के फाटत कोयल बोलया पकड़ी कलैया अब त्यावर का कोनो वहां पास देती बैठा दादा बैठे उदल यटे बराबर जाए लाखन राना उनके संग हमा जो नाती बेर चक्र ले क्या रे उदल क्या कह रहे हैं आज लालसा यह जी रामा जंगल ख्यालो जाए शिकार और धीरा से लाखन से कहते हैं पता न लागे यहू दादा का थोरी फौज ले वसत आगे उससे कहे चले और हम सब जोगी बन करके चलेंगे सुनो हकीकत अब उदल की उदल लौट पड़ते हैं और जोगी बन करके ये भेद छुपा रहे आल्हा से कि अब जोगी अब बन के महुबा के चली है
लगा है जो दियन का सो तब सुन लो कान लगा। लाखन चली भय ढेबा चली भय चली भा सिंह महोदय भगवान ये क्या हो रहा है। तब तक उद्वर दिया ने कहा महाराज भीख देवैया न को सिरसामा सिरसा के मारे गए मलखान बड़ी जोर तब उदल तब उद्वर दिया ने कहा महाराज ये बताओ कि तुम कौने कारण कारो ये हो बापा कारण बाबा
माता ने भेद बता दिया। माहिल ने जब भेद को ले लिया तो माहिल वहां से चल देते हैं। चल भे माहिल वह बेरिया पर बंगला यटे बराबर जाए, भेद बताए दीन सिरसा का कि ऐसे मरे मल्हारे राय। माहिल ने वहां जाकर के क्या सलाह दिया, ये बरधिया कह रहा उदल से। माहिल ने जाके पृथ्वीराज से ये सलाह दिया कि भेद लिया है अब सिरसा का, मर जाए बच्छराज के लाल, तू भा खोदाए दियो धरणी माँ, वही माँ संग लिया गरवा। घास फूस से तुम पटवा जाओ, सुन लियो सब दगे चौहा, श्राप भसम हो जाए, जाओ महोबा की लाज को बचाओ। अब देखिए ये लोग फिर आगे चल देते हैं, महोबा गए, अलग जगा रहे हैं रानी मल्हना के महल में। पता लगा बड़े महात्मा आ गए हैं संकट तारण। तो देखिए चंद्रावल भी आ रही दर्शन करने के लिए। लेखक ने लिखा है क्या बात है कि अरे दर्शन की हो जब जो गिरन का तुम बिटिया है, ऐसे रही है बतला। अब तो आयो कौने द्यास कहुआ गे, कौने द्यास का ज्ञान, चला
लहोरवा कहा महाराज कनबू जो होई कह बाबा जायो इतना सुनिए कान लगाए उदल भैया मोरे कनबू जमा मोरे भैया ते बता दो जाए डोला पिरथी ले जात है अब हम करीबे कौन उपाय। उदल ने ये बात सुनकर के कहा ये छोटा सा काम उदल को क्यों बुलवा रही हो ये तो जोजी कर देंगे। इतने में बेटी ने कहा महाराज आप तो माला चलाना जानते हैं तलवार कैसे चलेगी। उदल ने कहा कि हमें कसम है गंगा जी की ओ पवनिया पूरी देहा करवा गंगा कई रहे हैं महलन मटी पवनी पूरी देहा करवा जोगी लौटे अपने लसगर माहिल तीर्थी से बचलाए मारी भगा दो ही जो दिन का ढाबर खाली लियो करवाई। अरे चौड़िया जलहरी वाले बगसी सुनो लाग रे ज्ञान ओए सुजवान संगमा लईका यो जो दिन का दियो भगाए माजरा पीछे छाड़ो बबैया भाई का बता दे हाल करें तैयारी वो महुबे का तो माहिल बहुत रहे सब माहिल समझा रहे तुम न जाओ नहीं मारे जाओगे। अब भाई ने कहा पिता तुम्हें ये मुनासिब नहीं था जैसे फूफा हुई पीरथी हैं तैसे हवें रजा परिमाल द्याव सहारा अब महुबे का पर्व करब जाए। अब भाई आगे महोबा रंजीत को तैयार किया महोबा की फौज पर्व त्योहार मनाने के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन लेखक ने क्या लिखा है कि अब होती तैयारी हवे पवनी कहो सबके मारो मारो करो हो वतैया
है पिथौरा जब टोला ढिग दूर से गोला दियो चला रमा जो बहु बच जाए तो भी मानो कहा हमार के गुफारी के तुम मर जाना राखो धर्म हो बे पवनी कराने के लिए महोबा से निकल पड़े। अब जब महोबा से महोबा की फौजें निकल पड़ी तो पृथ्वीराज क्या कहते हैं कि अरे पिरछी बाले अब बकसी देख बकसी सुन लो करे धर्म द्वार।
के रंग मा गिरे तक दया। भोला जंगीरिया जिनके लागे उनके दुई खंडा हो जाया। भैया के लगे बुलाए चल रहा है और कंकन तब जाए दिन तो